ଆସନ୍ତାକାଲି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା ଏଠି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଠାନବେ ହଜାର ଆଠଶହ অচাশ জো ভোটৰ ৰ নিজৰ ভোট দে নিজৰ মত সাব্যস্ত কৰবে যিহেতুকে নোৱপডা জিলা মওপ্ৰৱণ জিলা আও এই কিভাৱে ভোট হ'ব কিন্তুপূৰ্ণ ভাৱে মতদান হ'ব এই পি এফ দুইশো বেটায়ৰ কমাণ্ডেণ্ট राजेश बस सहित अच्छी सीधा सड़क तांकर सहित आलोचना करेबा सर पहले तो अर्गस न्यूज में आपका स्वागत है तो अगर कल की बात अगर करें कल जैसे फर्स्ट पेज इलेक्शन होने वाला है और अगर 89,000 से लोग ज़्यादा हैं नुआपड़ा जिले में जो वोट देंगे तो अपना मत रखेंगे तो कैसे इसको कैसे देख रहे हैं और खास करके माओवादी लोगों का भी एक्टिविटी कुछ दिनों से ज्यादा ही कुछ दिख रहा है उड़ीसा में तो कैसे कल क्या प्लानिंग क्या है स्ट्रेटी क्या है स्ट्रेटी पिछले करीब एक महीने से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे जिसमें हमने लगातार ऑपरेशन वगैरह चलाए हैं और दो तीन बारी हमारा इनकाउंटर भी पुलिस का और हमारा इनकाउंटर कम्बाइंड टीम का माओवादियों के साथ में हुआ है उसके साथ साथ जो है ये लगातार जो है हम लोग लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिससे उनमें कॉन्फ्रेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो क्योंकि तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा कॉमन बॉर्डर हम शेयर करते हैं महासमुंद और गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर काफ़ी पोरस है फोर्सेस की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है और हम लगातार कल पेट्रोलिंग वगैरह करेंगे पुलिस की टीम्स गई हुई हैं हर बूथ को कंट्रोल किया गया है उसमें पुलिस टीम इलेक्शन टीम हर जगह में है तो इस प्रकार से हम जो है बूथ पे जा जा के लोगों का इलेक्शन जो है मतलब जो पुलिस टीम्स हैं क्योंकि हमारा जो रोल है इसमें मेनली हमारा एरिया प्रोटेक्शन और लोगों को इस शांतिपूर्वक मतदान कर सके और टोटल सिचुएशन को कंट्रोल करना है ये हमारा देखेंगे कल अगर 400 से ज्यादा पुलिंग है कल, है कल जो तो अगर कितना हाइपर सेंसिटिव है कितना सेंसिटिव है जो बूथ है और नवापड़ा जिला में सब जानते हैं कि माओ प्रभावित एरिया है और बहुत सारे प्रभावित एरिया है उस जगह में मतदान कैसे होगा जी माओवादी जो प्रभावित एरिया है उनको हमने जगह जगह टीम बना के पूरा एरिया को हमने सिक्योर किया है जिससे कि लोग आ सकें घरों से निकल सकें और उसके बाद वो प्रॉपरली अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकें सर कितना जो है कितना हाइपर टेंसन कितना ए, 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 है और हाइपर बूथ कितना है जहाँ पे लोग बोट टोटल 92 हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट में पाँच फेज में नाइन्टी बूथ ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव हैं और जिनको हमने त, अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया है और अलग अलग तरीके से टीम बनाकर एरिया डोमिनेशन पार्टीज़ बनाकर और इसमें बी डी स्क्वाड्स को भी हमने डिप्लॉय किया है ताकि जो रास्ते वगैरह में अगर कोई आईडी वगैरह लगे तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो हमारी जगह जगह टीमें काम कर रही हैं जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो कोई उनको धमका ना सके कोई डरा ना सके और लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपने इलेक्शन में अपना वोट बो, वोटिंग कास्ट कर सकें अगर सर देखेंगे सोनाबेड़िया सोनाबेड़ा एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रभावित है और कुछ दिनों पे फायरिंग भी उस जगह में हुआ था तो लगातार वो भी एक दो नहीं जो दो से ज़्यादा हुआ है और जैसे अगर उड़ीसा की बात करेंगे हम उड़ीसा में भी दो तीन जगह में अब टेंशन चल रहा है जैसे अगर बात किया जाए कालाहांडी में उसी प्रकार का भी दिख रहा है तो अभी माहौल क्या है अब स्थिति क्या है माओवादियों का जो एजेंडा रहा है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा जिसमें इलेक्शन एक पार्ट है उसको वो अपोस्ट करते हैं अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी ये अभी इस बारी तो नहीं आया नहीं तो नॉर्मली पर्चे वगैरह बढ़ जाते हैं गाँव वालों को थोड़ा ड्राया धमका जाता है लेकिन इस बारी हमारे प्रोएक्टिव ऑपरेशंस की वजह से और ज़्यादा मूवमेंट हमारी तरफ से होने की वजह से उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाया ना तो वो पोस्टर्स वगैरह डिस्प्ले कर पाए ना लोगों की कोई मीटिंग वगैरह हमारे योर में कर पाए जिससे मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बारी माओवादी का जो इलेक्शंस में है बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को शायद ना मिले जैसे कल बोल रहे थे कि 80 से ज्यादा आपके जो हाइपरटेंशन बूथ है 92 टोटल बूथ है जी, जैसे 90 से ज्यादा है तो उस जगह में कितना मतलब सी के जो जवान होंगे कितना कितना जवान डिवाइड किया गया आ, है आ, रहेंगे अलग अलग जगह से 92 जो बूथ है उनको पेट्रोलिंग के मीडियम से हमने कंट्रोल किया है मतलब हमारी टीमें बाहर रहेंगी क्योंकि जो पंचायती इलेक्शन में पैरामिलिट्री फोर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व बूथ पर नहीं होती हैं तो मेनली स्टेट पुलिस रहेगी और हम उनको एरिया प्रोटेक्शन और एरिया डोमिनेशन करके सिक्योर इलेक्शन कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे सर जैसे कि अगर देखा जाए दो तीन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे वो लोग ड्रोन की लगा के भी, भी लगा, लगा के सब जगह को निगरानी में रखेंगे तो ऐसा कुछ है जी तो जी हमारे पास ड्रोन्स वगैरह हैं और उसके अलावा हम जो है सर्विलाइंस के लिए और भी टीमें हमने जैसे करी हैं हमारे पास स्पेशलाइज डॉग्स वगैरह हैं और डॉग वगैरह ने जो आई वगैरह हैं उनको उनको ढूंढने में काफ़ी मदद करते हैं तो इन सब चीज़ों के बीच में ड्रोन्स वगैरह का भी इस, इस्तेमाल किया जा रहा है पेट्रोलिंग टीम्स जो हैं उनको काफ़ी ट्रेन किया गया है जिससे कि वो एरिया को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सके तो इन सब चीज़ों का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाएगा अगर सर देखेंगे जिला प्रशासन जिला पुलिस के साथ कैसे मिलके क्या मिलके काम होगा पहले कुछ उसके उसको लेके मीटिंग हुआ है बातचीत हुआ है क्या है जी पुलिस से हम लगातार उनसे कांटेक्ट में है पुलिस से एसपी सर से एसपी मिस्टर दिवाकर से मेरी एक दो बारी बात भी हुई है टेलीफोन वगैरह पे इलेक्शन के सिलसिले में और मैंने उनको एश्योर किया है जो भी उनको कॉपरेशन वगैरह चाहिएगा वो हम उनको पूरा पूरा दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी उनको हमारी तरफ से जैसे बी डी डी स्क्वाड्स वगैरह हैं हमारे पास स्पेशलाइज टीम्स होती हैं वो सब हमने उनकी उनकी हेल्प के लिए डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कर रखी है सर अगर जैसे जैसे नाइनटी बूथ बोल रहे हैं वहाँ पे जी, जी, कितने जितने भी वोटर्स आएंगे वहाँ पे और वोटर के साथ पहले कुछ बातचीत हुआ है जैसे कि देखते हैं प्रोग्राम होता है आप लोग लोगों के साथ मिलते हैं घुलते हैं कुछ ऐसे है यहाँ पे करीब छः जगह जैसे हमारी धर्मंदा बरकोट सोनाबेडा जाम गाँव सोसेंग उसके अलावा भैंसादानी खाड़ू पानी उनमें सी प्रोग्राम चलाया है जिससे हमने लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है और साथ ही साथ उनकी छोटा सा हमने प्रयास किया है जिससे उनकी उनकी थोड़ी बहुत मदद हो सके और उनको थोड़ा फ़ायदा पहुंच सके इस तरह के प्रोग्राम हम लगातार चलाते रहते हैं पहले भी पास में भी चले हैं और अभी भी हम लोगों ने चलाए हैं তাহলে দেখুলে নয়পডা জেলার সিধাস ভাবে সিআরপিএফ যে ব্যাটালিয়ন সে সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত রয়েছে এবং সিধাস ভাবে এইটি যেতে বুথ রয়েছে নাইনটি টু বুথ হাইপর টেনশন রয়েছে এবং সবু বুথ রে সিআরপিএফ এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সজাগ রয়েছেন কিভাবে ভাবে আসন্নতন্ত্র মহা পর্ হওয়া যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রথম পর্যায়ে সবুজ সুখুরের হব তা সমস্ত যবান ঠার আরম্ভ করি পুলিশ প্রশাসন प्रशासन संपूर्ण भाव में प्रस्तुत रही नुआपड़ कैमेरा पर्सन सुमंत सहित सतरुपा सामंतराय अर्गस न्यूज